पॉलिटिकल थ्योरी, आइए आज और कुछ जानते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। आज बात करेंगे रिलेशनशिप विथ अलाइड डिसिप्लिन, मतलब कि जो भी रिलेशनशिप है डिफरेंट डिसिप्लिन के बीच में, उस पे आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। तो इसके कुछ प्रोपोनेंट एक्सपोनेंट हैं जैसे लियोपोल्ड वोन रांके, हीगल, लॉर्ड एक्टन और सीले। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है उसके बीच में काफी क्लोज रिलेशनशिप है, इसीलिए फ्रीमैन जो थे एक एक्सटेंट ऑफ सेइंग पे आके कहते हैं कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री। मतलब कि हिस्ट्री जो है वो पास्ट पॉलिटिक्स का अध्ययन है और जो पॉलिटिक्स है वो प्रेजेंट हिस्ट्री में आता है। वहीं पे पॉलिटिकल साइंस यूज क्या करता है, हिस्टोरिकल फैक्ट किसके लिए, डिस्कवर जनरल लॉ और प्रिंसिपल, यानी कि सामान्य कानून और सिद्धांत को लाने के लिए वो हिस्टोरिकल फैक्ट यूज करता है। पॉलिटिकल साइंस एक मिडवे है हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बीच में। अगर हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को समझना है तो हमें पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करना होगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो नैरेटिव है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री बेसिकली एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल इवेंट, आइडिया, मूवमेंट और लीडर्स, ये सारे जो हैं वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के अध्ययन में आते हैं। यह एक स्ट्रक्चर अराउंड द नेशन स्टेट है, यानी कि जो भी ये इवेंट अकर्ड होगा वो विद इन द नेशन स्टेट होगा। अब बात करते हैं कुछ रिलेवेंट डिफिनीशन के बारे में जो कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को बताता है। सबसे पहले लियोपोल्ड वोन रांके के बारे में बात करेंगे। उन्होंने एक किताब लिखा था द फर्स्ट साइंटिफिक, जो कि 19th सेंचुरी में जर्मनी में लिखा गया था। अब बात करते हैं हीगल। हीगल कह रहे थे पॉलिटिकल हिस्ट्री इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट विथ ए मोरल एंड स्पिरिचुअल फोर्स, यानी कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो एक कॉन्सेप्ट है स्टेट का जो कि बात करता है मोरल और स्पिरिचुअल फोर्स जो कि बियॉन्ड है मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट के। फिर बात करते हैं जो यह फॉलोड किया जाता है वो किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, और स्टेट जो है वो मेन एजेंट है हिस्टोरिकल चेंज के लिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ये सारे किसके द्वारा हो रहा है, एक पार्टिकुलर स्टेट के द्वारा। अब विलक भाई कहते हैं हिस्ट्री गिव्स द थर्ड डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटिकल साइंस का थर्ड पर्सपेक्टिव क्या है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री के थ्रू हम बेटर गवर्न कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में। अब बात करते हैं लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन कहते हैं द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इज वन द साइंस दैट डिपॉजिटेड बाय द स्ट्रीम ऑफ हिस्ट्री लाइक द ग्रेन ऑफ गोल्ड इन द सैंड ऑफ ए रिवर। मतलब कि जो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स है वो एक ऐसा साइंस है जो डिपॉजिट करता है स्ट्रीम ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि ग्रेन ऑफ गोल्ड जो है वो सैंड ऑफ रिवर में जमा हो रहा है। अब बात करते हैं सीले। सीले है वो कहते हैं हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज नो फ्रूट, यानी कि हिस्ट्री के बिना पॉलिटिकल साइंस का कोई फल नहीं। वहीं पे कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के बिना हिस्ट्री का कोई जड़ नहीं। अब बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के बीच। इसके भी कुछ स्कॉलर हैं जैसे जॉन लॉक, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, अल्फर्ड मार्शल। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जो दोनों ये टर्म है, यह एक सोशल साइंस में आता है और ये काफी ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। इसीलिए हम देखते हैं इकोनॉमिक्स जो है वो रिगार्ड किया जाता है एज ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और हम ऐसा पढ़ते भी हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, मतलब कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, यानी कि हम पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रॉडर एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स जो कि हम एक साथ पढ़ते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी में। यह जो दोनों सब्जेक्ट है काफी ज्यादा सेपरेट है और जो स्टडी है वो डिफरेंट एरिया के बारे में करता है, और जो एरिया है वो काफी ज्यादा रिलेटेड है दोनों एक दूसरे के साथ। ये बात करता है प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ बोथ, यानी कि दोनों का वेलफेयर होना चाहिए, और साथ में एक और बात करता है गो हैंड इन हैंड, यानी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमी दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो कॉमनली यूज होता है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी में, जो कि ड्रॉ करता है इकोनॉमिक्स, लॉ, पॉलिटिकल साइंस किसके लिए, अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन
मतलब कि कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन गवर्न हो रहा है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का है विद इन द नेशन, इकोनॉमी इन्फ्लुएंस ईच अदर, मतलब कि इकोनॉमी और पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी दोनों एक दूसरे को शेप करते हैं विद इन द पॉलिटिकल साइंस। अगर पॉलिटिकल साइंस के विद इन बात किया जाए तो जो टर्म है वो रिफर क्या करता है, मॉडर्न, लिबरल, रियलिस्ट, मार्क्सिज्म और कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को, जो कि कंसर्न है रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल पावर के बीच, यानी कि जो भी रिलेशनशिप है पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक्स के बीच वो हम किसके थ्रू पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के विदिन आता है वो हम वेरियस आइडियोलॉजी में देखते हैं जैसे मॉडर्न, लिबरल, रियलिस्ट, मार्क्सिज्म, इन सब में। हिस्टोरियन जो थे वो एम्प्लॉयड थे इस टर्म्स एम्प्लॉयड द टर्म टू एक्सप्लोर, यानी कि हिस्टोरियन एक्सप्लोर कर रहे थे ये जो टर्म था इन वेरियस वेज। इतिहास में हिस्टोरियन काफी ज्यादा इसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में ले जाने का काम किए हैं। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे भी बात करते हैं, ग्रुप पे भी बात करते हैं, जो कॉमन इंटरेस्ट है, जो कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उस पे भी बात करते हैं, जो कि यूटिलाइज करता है पॉलिटिकल प्रोसेस को चेंज करने में टाइम टू टाइम, और बेनिफिशियल है दोनों के लिए, पॉलिटिकल के लिए भी और पॉलिटिक्स के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो है हालांकि दोनों ही काफी ज्यादा एसोसिएटेड है टर्म के साथ, जैसे कि अप्रोच के मामले में, जैसे कि मैंने बात किया था पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, तो यह एक रेशनल चॉइस एजम्पशन का बात करता है। रेशनल चॉइस एजम्पशन यानी कि हम कुछ ऐसा सोचे जो रेशनल हो, पार्टिकुलरली गेम थ्योरी के बारे में भी बात करता है। एक्सप्लेन फेनोमेनन मतलब कि ये सारे जो फेनोमेनन है उसको एक्सप्लेन करता है। स्टैंडर्ड लिमिट ऑफ इकोनॉमिक्स इन सब पे भी बात करता है। इन दिस कंटेक्स्ट यानी कि कंटेक्स्ट के बारे में बात किया जाए तो जो टर्म है वो पॉजिटिव पॉलिटिकल इकोनॉमी का बात करता है, जो कॉमनली यूज होता है। अदर स्पेशली एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कुछ और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, जियोग्राफर हैं, यूज करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी रिफर करने के लिए नियो मार्क्सिज्म अप्रोच को, जो कि डेवलप्ड हुआ था डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट सेट होता है एंड्री ग्यूंडर फ्रैंक के द्वारा और इमैनुअल वॉलर स्टेन के द्वारा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी जो है एक स्टडी है फंडामेंटल क्वेश्चन के बारे में, जो कि स्टेट के बारे में बात करता है, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, लिबर्टी, जस्टिस, प्रॉपर्टी राइट्स, लॉ एंड एनफोर्समेंट ऑफ लीगल कोड बाय अथॉरिटी का बात करता है। फिलोसफी जो है वो बेसिकली डील करता है इथिक्स के द्वारा, और इथिक्स डील करता है मोरालिटी और फॉर्मुलेट करता है रूल्स जो कि इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर ऑफ ए मैन के बारे में, और लिविंग इन ए सोसाइटी, जो मैन है वो लिव कहाँ करता है, एक सोसाइटी में, समाज में। इसलिए जो साइंस ऑफ मोरल ऑर्डर है पॉलिटिकल साइंस में वो साइंस जो है पॉलिटिकल ऑर्डर में आ जाता है, यानी कि साइंस ऑफ मोरल ऑर्डर इन पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर इन द पॉलिटिकल फिलोसफी। जो टर्म है पॉलिटिकल फिलोसफी वो हालांकि यूज होता है जनरल व्यू के द्वारा और स्पेसिफिक इथिक्स के द्वारा। बिलीफ और एटीट्यूड, इसमें हम बिलीफ और एटीट्यूड का भी बात करते हैं अबाउट पॉलिटिक्स, जो कि नेसेसरी बिलोंग करता है टेक्निकल डिसिप्लिन ऑफ फिलोसफी के बारे में। पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी जो है इंटरलिंक्ड है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डिफिनीशन के बारे में, जो कि फिलोसफी ऑफ इथिक्स के बारे में बात करता है। सबसे पहले बात करेंगे प्लेटो। प्लेटो कहते हैं अपने रिपब्लिक में कि वो यह एक विजुअलाइज कॉन्सेप्ट है आइडियल स्टेट का। प्लेटो जो है कंसीडर करते हैं पॉलिटिक्स को एज ए सब डिविजन ऑफ इथिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो सब डिविजन है, यानी कि सब पार्ट है, सब्सिडियरी पार्ट है इथिक्स का। इवोर ब्राउन कहते हैं, ब्राउन होल्ड दैट पॉलिटिक्स इज बट इथिक्स रिट लार्ज, यानी कि जो पॉलिटिक्स है वो इथिक्स से मतलब थोड़ा सा बड़ा है। पॉलिटिक्स डाइवोर्स फ्रॉम इथिक्स,
रेस्ट ऑन फाउंडेशन ऑफ शिफ्टिंग सैंड, यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है इथिक्स से, शिफ्टिंग सैंड, इथिक्स डाइवर्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, इथिक्स भी थोड़ा सा भिन्न है पॉलिटिक्स का इन नैरो और एब्स्ट्रैक्ट के मामले में. इट लीड्स कमर्शियलाइजेशन एंड वल्गराइजेशन ऑफ वैल्यूज. पॉलिटिक्स का बात किया जाए तो वो थोड़ा सा कमर्शियलाइजेशन पे जाता है, वल्गराइजेशन पे जाता है वैल्यू के मामले में. वहीं पे इथिक्स जो है वो जनरल कॉन्सेप्शन का बात करता है, गुड बिहेव का बात करता है. महात्मा गांधी का भी इसमें डिफिनीशन आता है. वो कहते हैं कि जो स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि महात्मा गांधी सपोर्ट करते हैं स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में. अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के बारे में. पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा म्यूचुअली कंट्रीब्यूटेड है, कंट्रीब्यूटरी है. जैसे कि मैंने बात किया था पॉलिटिकल साइंस और जो सोशियोलॉजी है वो सब्सिडरी पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, यानी सोशियोलॉजी सब्सिडरी पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का. तो सोशियोलॉजी जो है वो प्रोवाइड क्या करता है, बेसिक इंफॉर्मेशन टू पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसीज कैसे फॉर्मुलेट होता है, लॉज कैसे इनेक्ट होता है. ओनली आफ्टर ए केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ सोशल नीड, मतलब कि सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी समाज में हो रहा है वो सारा चीज हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं. पॉलिटिकल साइंस के बात किया जाए तो कैसे गवर्न हो रहा है, कैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये सारे बात आ जाते हैं. सोशल नीड क्या है वो सारे कॉन्सेप्ट हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है. अब बात करते हैं कौन से लॉज गवर्न होते हैं, या ये सब वेरियस मेथड कॉन्सेप्ट जो है सोशियोलॉजी में अप्लाइड है स्टडी करने के लिए पॉलिटिकल बिहेवियर और इंस्टीट्यूशन, जो कि राइज करता है एक न्यू ब्रांच कॉल्ड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी. और पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन सोशियोलॉजी को, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फंक्शन ऑफ द स्टेट हो गया, नॉलेज और ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, लॉज जो कि कंट्रोल करता है सोसाइटी का. अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी. साइकोलॉजी जो है एक ऐसा साइंस है जो कि डील करता है कॉग्निटिव बिहेवियर ऑफ मैन के बारे में. जो पॉलिटिकल साइंस है वो डील करता है पॉलिटिकल साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ, और यह जो दोनों है वो ग्रांट होते हैं, वो काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, इसीलिए इनको पॉलिटिकल साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं. साइकोलॉजी जो है वो डील करता है एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. साइकोलॉजी प्रोवाइड करता है एक प्रैक्टिकल बिहेवियर ऑफ मैन, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में. साइकोलॉजी हेल्प करता है पॉलिटिकल साइंस को अंडरस्टैंड करने में इंडिविजुअल और ग्रुप साइकोलॉजी, जो कि एक बेस है पॉलिटिकल बिहेवियर का. अब कुछ एक्सपोनेंट देखते हैं जो कि काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी के बारे में. कुछ डिफिनेशन है उसको भी देखते हैं. सबसे पहले थॉमस हॉब्स. हॉब्स कहते हैं कि हॉब्स अटेम्प्टेड टू बिल्ड अ थ्योरी ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर. हॉब्स कहते हैं कि एक ऐसा थ्योरी वो लाना चाहते हैं जो कि स्टेट पे बिल्ड हो, और वो बेस्ड किस पे हो, ह्यूमन नेचर के बारे में. उन्होंने एक बुक लिखा था लेवियथन. लेवियथन को ये कहते हैं कि लेवियथन जो है वो बेस्ड था प्रीमाइस दैट मैन इज बेसिकली सेल्फिश. जो लेवियथन था उसमें इन्होंने बताया कि जो मैन है वो काफी सेल्फिश नेचर का है. अब बात करते हैं ग्राहम वॉल्स. यह जो है ग्राहम वॉल्स जो है वो स्टडी करते हैं ह्यूमन नेचर और ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स. 1908 में इनका यह बुक आया था जिसमें ये बताते हैं कि ह्यूमन नेचर और पॉलिटिक्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है. अब बात करते हैं मेरियम. जो मेरियम है वो स्टडी करते हैं पॉलिटिक्स और साइकोलॉजी को, जो कि डेवलप करता है पॉलिटिकल साइंस के ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को. पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में काफी ईजी हो जाता है. अब बात करते हैं सिगमंड फ्रॉयड. यह अटेम्प्ट करते हैं अपने बुक में सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. जो सिगमंड फ्रॉयड थे वह सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट में लिखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस
कैसे मतलब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में जाता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे बात करने, जैसे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सारे जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है उस पे ये बात करते हैं, और 1908 में ये अपने बुक पब्लिश करते हैं। अब बात करते हैं ब्राइस। ब्राइस जो है वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स हैज इट रूट्स इन साइकोलॉजी, मतलब जो पॉलिटिक्स है इसका जड़ कहाँ है, साइकोलॉजी में। कैसे? क्योंकि जो मेंटल हैबिट है ह्यूमन का वो क्या होता है, वोलिशनल और प्रोलिविटिव ऑफ मैनकाइंड, मतलब कि जो भी हम सोचते हैं कहीं ना कहीं हमारा जो नेचर है वो हमारे पीढ़ीगत अति पे आता है, मतलब कि जो हम सोचते हैं, मतलब हमारा माइंडसेट एक एक फिक्स्ड हो जाता है। और साइकोलॉजी में ये देखा जाता है कि जो भी मेंटल हैबिट ह्यूमन का है वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड होते जाता है, और ये ब्राइस कोट करते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तब पॉलिटिकल साइंस भी जो क्लोजली एसोसिएट है डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में वुड्रो विल्सन के द्वारा आता है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रॉडली डिस्क्राइब करता है स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टडी करता है प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। जो होरिजन है एक्सपेंडिंग डे बाय डे विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के साथ जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। एज ए मोरल एंडेवर का बात किया जाए, मोरल प्रयास में देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिंक्ड है पब्लिक गुड के बारे में, जैसे कि क्रिएशन ऑफ सिविल सोसाइटी और सोशल जस्टिस। जैसा कि हम देखते हैं सिविल सोसाइटी का फॉर्मेशन हो रहा है, सोशल जस्टिस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये काफी ज्यादा एक मोरल एंडेवर है, मतलब कि एक प्रयास है मोरालिटी के बेसिस पे, जो जो कि काफी हेल्प करता है। जो एडजेक्टिव है पब्लिक वो डिनोट करता है गवर्नमेंट को, हालांकि जो इंक्रीजिंगली एनकम्पासेज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनजीओ को भी, एनजीओ काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि सिविल सोसाइटी और कोई भी एंटिटी जो मैनेजमेंट और स्पेशली एक्टिंग इन सेल्फ इंटरेस्ट का बात करता है। यानी कि पब्लिक जो है वो डिनोट क्या करता है गवर्नमेंट को, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए हो रहा है, पब्लिक के लिए हो रहा है, और जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा वो पब्लिक के लिए होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाउ पॉलिटिकल साइंस इज मेथोडोलॉजिकल डाइवर्स, मेजर स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इन सब पे भी बात करेंगे।